हेड ट्रांसप्लांट के लिए सही एज क्या है? चलिए इसे और डिफाइन करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त और डर्मा मेराकल क्लिनिक का फाउंडर डॉक्टर नवनीत थरूर। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हेड ट्रांसप्लांट किस एज में करवाना चाहिए। आप इंटरनेट पर बहुत सारे लोगों को कहते देखेंगे कि 25 ईयर्स की एज से पहले हेड ट्रांसप्लांट नहीं करवाना चाहिए। ये काफ़ी हद तक गलत है। अगर किसी पेशेंट को 21 ईयर्स की एज में बाल झड़ रहे हैं और अगर उन्हें 1500 से 2000 ग्राफ्ट की ज़रूरत है तो मेरे हिसाब से एज बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती। जब ये कंसेप्ट आया कि इस एज में हमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए, तो ये कंसेप्ट इस बात पर बेस्ड था कि शुरुआती साल में बालों का झड़ना कब शुरू होता है और अगर हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया है तो पेशेंट्स को बार बार ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हाँ, मैं इसे एग्री करता हूँ, ये सही है। बालों का झड़ना 30 की एज में भी शुरू हो सकता है और अगर 30 की एज में हमारे पास टारगेट एरिया बहुत थोड़ा सा है या डोनर एरिया बहुत थोड़ा सा है तो क्या हम इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे? तो मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से बताऊँगा। यदि आप बालों के झड़ने के कारण कोई डिस्कम्फर्ट फील करते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट चाहते हैं तो आपको किन नियमों का पालन करना चाहिए? एज उतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। हम 20 टू 21 ईयर्स से कम एज में हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराते। शुरू में अगर आप बाल झड़ने की समस्या से जूझ रहे हैं तो हम PRP और मल्टी वाइटामिन ट्रीटमेंट्स की मदद से बालों का कंजर्वेशन करते हैं। लेकिन अगर आपकी नीड बॉल्डनेस की स्टेज 3 के अकॉर्डिंग है तो हम हेयर ट्रांसप्लांट का सोच सकते हैं, लेकिन हम स्टेज 2 में हेयर ट्रांसप्लांट करने से थोड़ा बचते हैं। जब तक कि मुझे पता ना हो कि मुझे कम से कम 1500 ग्राफ्ट्स लगाना है तब तक मैं सीधा हेयर ट्रांसप्लांट प्रिस्क्राइब करने से बचता हूँ। यदि आपकी रिक्वायरमेंट बस 800 से 1000 ग्राफ्ट्स में ही पूरी हो जाती है तो आप माइनर हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं या कोई पैच का हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। कई बार बॉल्डनेस के बहुत एडवांस स्टेजेस में ट्रांसप्लांट करने में काफ़ी दिक्कत होती है। मान लीजिए ये क्राउन बॉल्डनेस है। अगर सिर्फ हेयर थिनिंग है तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट रिकमेंड नहीं करता हूँ। यदि आपके स्कैल्प के मेजर एरिया से बाल झड़ रहे हैं और आपको 1500 से 2000 ग्राफ्ट्स की ज़रूरत है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी एज 19 है या 20 है। मैं आपको हेयर ट्रांसप्लांट ज़रूर रिकमेंड करूँगा। रीज़न ये है कि आप इस बॉल्डनेस को छुपा नहीं सकते। ऐसे केसेस में हम जल्द ही अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ करने लगते हैं और वेट करना बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, अगर ये चीज़ आपको बॉदर कर रही है तो। ये एज का मामला नहीं है। एक और कॉमन कंसेप्शन है कि आपको हेयर ट्रांसप्लांट के ठीक बाद दूसरे सेशन की ज़रूरत हो सकती है। कॉमनली हम आपके फ्रंट और मिड फ्रंट एरिया में ट्रांसप्लांट करते हैं और इसके बाद अगर अगले 5 से 7 साल में आपके स्कैल्प के किसी और एरिया को भी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है तो फिर हम दूसरा ट्रांसप्लांट भी करेंगे। मान लीजिए कि आपका डोनर एरिया सफिशिएंट है तो क्या आप कंप्लीट बॉल्डनेस का वेट करेंगे? क्या कोई सर्जन उसके बाद बहुत अच्छे से उसको फिल कर पाएंगे? मेरे एक पेशेंट को 19 ईयर्स की एज में पगड़ी पहनने की वजह से ट्रैक्शनल एलोपेशिया हो गया था। पगड़ी की वजह से उनके बाल पीछे खिंच गए थे। इसलिए ऐसे पेशेंट्स में ट्रांसप्लांट करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। याद रखें कि अगर बॉल्डनेस की स्टेज 1 या 2 है तो आप हेयर ट्रांसप्लांट में थोड़ी सी देरी कर सकते हैं और थोड़ा रुक कर हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। इससे एडवांस्ड स्टेजेस में हेयर ट्रांसप्लांट जितना जल्दी हो जाए उतना इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट रहता है। इसलिए देर तभी करें जब देर करने से आपको और आपके बालों को फर्दर और लॉन्ग लास्टिंग डैमेज ना हो। याद रखें, 20 साल के बाद कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया जा सकता है, बस आपके बॉल्डनेस की स्टेज एडवांस्ड होनी चाहिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मेरे पेशेंट्स की बॉल्डनेस मेडिकेशंस और PRP जैसे ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाए। ट्रांसप्लांट तभी करें जब और सभी तरीके काम नहीं आ रहे हैं। मैं आपके साथ ऐसे ही और टॉपिक्स पर डिस्कशन करना चाहता हूँ। अगर हेयर ट्रांसप्लांट की सही एज से रिलेटेड
आपके पास और भी कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में उन्हें ज़रूर डालें। मैं आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा।